तो सबसे पहली बात तुम्हें पता है क्या नहीं करना, तुम्हें यहाँ किसी पे ट्रस्ट नहीं करना भाई। सीन पता है टोटल क्या होता है भाई, हम जब कनाडा आने का प्लान करते हैं ना, हम ये चीज़ स्किप कर देते हैं दिमाग से कि भाई हमें हर चीज़ जीरो से स्टार्ट करनी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, और नहीं होगे तो अब हो जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो होनी है बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव। बहुत कमेंट आ गए, बहुत डीएम्स आ रहे हैं कि भैया ये, भैया वो, भैया ये, तो भाई सबके रिप्लाई दे देता हूँ मैं, टेंशन ना लो। इसलिए मैंने यही कर रखा है कि ब्लॉग्स आएंगे, ब्लॉग्स आएंगे, और बीच में आएगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसको आप एक बार देखोगे और सीन शॉर्ट है, सारा सीन शॉर्ट है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। बेफालतू में टेंशन लेते हो यार तुम सब। तो ठीक है भाई, तो आज की वीडियो ये पहन लिया तो समझ ही जाओ ज्ञान आने वाला है फुल पावर। तो भाई ज्ञान लेने के लिए हो जाओ तैयार। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं रेज्यूमे पे, कि लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि रेज्यूमे कैसे बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कोई सैंपल बता दो, ये बता दो। हालांकि मैंने वीडियो में दिखाया भी था कैसे सैंपल है, बट स्टिल लोगों के मैसेज मेरे को कल से आ रहे हैं वीडियो डालने के बाद। स्टेप सुन लो, रेज्यूमे में डालना क्या है, कुछ नहीं करना, अपना नेम डाल लो सबसे पहले, तो पहली टेंशन खत्म। नाम तो सबको पता ही होगा, तो नेम डाल लेना, यहाँ आओगे यहाँ का एड्रेस डाल देना, अपना फ़ोन नंबर डाल देना, जो चीज़ें, ये तीन चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अब जैसे अगर किसी को वॉलमार्ट या फिर ऐसी जगहों पे काम मिल रहा है, जैसे कोई क्लोथिंग का स्टोर है या फिर हडसन बे हो गया या फिर कुछ भी ऐसे क्लोथिंग से रिलेटेड है, तो वो एक्सपीरियंस डालना अपना। जैसे आप इंडिया से हो तो आप ऐसा एक्सपीरियंस डाल सकते हो कि भाई मैंने विशाल मेगा मार्ट या फिर रिलायंस का कोई स्टोर हो वहाँ का, कुछ डाल सकते हो आप एक्सपीरियंस में कि मैंने 2 मंथ काम किया है, 3 मंथ काम किया है, मतलब आप एक एक्सपीरियंस आपको डालना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू भी लेते हैं आपका, कि मतलब आपने कैसे हैंडल किया वो सब, वो इंटरव्यू हो जाते हैं सबके क्लियर। उसकी टेंशन मत लेना कि इंटरव्यू कैसे होंगे, बाकी फैक्ट्री शिफ्ट्स के अंदर कोई इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं होते, वो आपको ऑनलाइन ही कुछ एग्ज़ाम एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको वीडियोज़ वगैरह देख के वो क्लियर हो जाते हैं, तो उसकी कोई लोड नहीं होती। तो और अगर आप इंडिया में हो और आपको अभी से जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो भाई इंडीड पे जाओ और अपना प्रोफाइल बनाओ, क्रिएट करो, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह डालो एक और अप्लाई करना चालू कर दो। क्योंकि भाई जब तक तुम आओगे ना, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सब जॉब के लिए इधर से उधर भागेंगे, क्योंकि अभी तक तो सितंबर इनटेक वाले ही सेटल नहीं हुए, तो जनवरी इनटेक वालों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा, अभी से अपनी प्रोफाइल रेडी कर लो, रेज्यूमे रेडी कर लो, ताकि बाद में तुम्हें सोचना ना पड़े। आओ, तुम अपना कॉलेज देखो, तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो, उसके बाद तुम अपना रेज्यूमे देना चालू कर दो और जॉब फटाफट लेके फटाफट सेटल हो जाओ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमारी बात हो गई रेज्यूमे पे, ठीक है, रेज्यूमे का टॉपिक ख़त्म। भाई इसके अलावा रेज्यूमे पे कोई भी डाउट लगे, कोई भी, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप पिंग कर देना मुझे, अगली जो रिप्लाई वीडियो आएगी कमेंट्स के लिए उसमें भी वो मेंशन मैं कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाई, ये हो गई बात रेज्यूमे की, रेज्यूमे की बात यहीं करते हैं ख़त्म। और आज अब दूसरी बात करते हैं, जो दूसरे सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया GIC खर्चनी है हमें या नहीं खर्चनी, GIC की क्या इम्पोर्टेंस है। तो भाई मैं ये कहूँगा, अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस है ना यहाँ पे, एज ए स्टूडेंट तो मारे हो, तो ट्राई करो GIC अपनी वेस्ट मत करना। GIC अगर तुमने सेव रखी है ना, तो तुम समझ जाओ, मतलब क्योंकि बाद में क्या होता है, जैसे हर स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है कि यार मुझे अपनी फीस निकालनी है, फिर वो चालू करता है शिफ्ट लगाना, 12-12 घंटे शिफ्ट चलती है, 16-16 घंटे लोग काम करते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे वो शिफ्ट लगाते हैं। तो अपने आप को एग्जॉस्ट ना करके GIC सेव करना, कि भाई GIC सेव रहेगी ना तो तुम बाद में कवर अप कर लोगे, पर अगर GIC नहीं रहेगी, तुम GIC से भी खर्च करोगे और जो तुम अर्न कर रहे हो वो भी खर्च करोगे, तो भाई फिर हैक्टिक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैं यही कहूँगा, GIC वेस्ट मत ही करना, कोशिश करना जितना कम कर सको खर्च, उतना ही ज़्यादा बेटर है, जब तक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है या फिर तुम अर्न अगर अच्छा कर रहे हो तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। तो भाई मैंने अपनी तरफ से पूरा ज्ञान दे दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने मेरे पास कमेंट आए थे, 2-3 जो भी मतलब मेन कमेंट थे, बाकी और भी थे, बट मुझे जो 3 इम्पॉर्टेंट लगे कि मैं बता दूं तुम्हें,
तो मैंने वो तुम्हें दो तीन बता दिए हैं, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, रिप्लाई वीडियो अगली जो भी आएगी उसमें वो कमेंट भी ज़रूर इंक्लूड होके आएगा, ठीक है। तो उसकी कोई लोड मत लेना, ये सारी बातें हो गई हैं। अब जाते जाते तुम्हें एक टिप दे के जाता हूँ, तुम भी बोलोगे क्या चीज़ दे दी, मज़ा आ गया, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात, जो भी कनाडा आ रहे हो इंडिया से, कोई सा भी इनटेक हो भाई, जनवरी इनटेक हो या फिर अप्रैल में, जौन सा भी इनटेक हो, ठीक है, ये बात सुन लेना भाई, कनाडा आके कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, सबसे पहली बात। भाई सीन पता है क्या होता है, सीन ये होता है कि तुम अपने घर से इतनी दूर आते हो, तुम्हें सच में ज़रूरत होती है सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की, तो लोग बाग ना खड़े रहते हैं भाई, ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं तुम्हें यूज़ करने के लिए, कि भाई कैसे भी बंदा डिप्रेस है तो इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंडियंस की ये बहुत बुरी आदत होती है भाई, तुरंत ट्रस्ट करते हैं भाई, तुरंत, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद इंक्लूडेड उसमें, ट्रस्ट करते हैं भाई हम, है ना, क्योंकि हम वैसे कल्चर से आते हैं कि भाई हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे भाई जो ये वेस्टर्न कल्चर का सिस्टम है ना भाई, वो सिस्टम बहुत गलत है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, मैं तुम्हें सिस्टम तुम्हें पूरा बता दे रहा हूँ। अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करके आओ कि भाई हमें तो भाई, हम मतलब अगर हम आ रहे हैं ना तो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं कोई चीज़। अगर आप वहाँ पे जॉब भी कर रहे हो ना, इंडिया में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ये समझ लो तुम, लेकिन तुम अगर यहाँ पे आ रहे हो, तुम अगर स्टडी के लिए आ रहे हो, तो भाई तुम जीरो हो, तुम जीरो से शुरू कर रहे हो कोई चीज़। जैसे अगर तुम कहीं जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है, रेज्यूमे लेके डोलना पड़ रहा है, तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो तुम अगर भाई कुल मिला के पता है क्या बात होती है, अगर आप खुद मेंटली स्ट्रांग हो ना, तो आपको भाई कोई पागल नहीं बना सकता, कोई आपका यूज़ कर ही नहीं सकता। तो बस आप ऐसे मत हो इमोशनली भाई, इमोशनली चीज़ें नहीं होती हैंडल भाई। सीन पता है टोटल क्या होता है भाई, हम जब कनाडा आने का प्लान करते हैं ना, हम ये चीज़ स्किप कर देते हैं दिमाग से कि भाई हमें हर चीज़ जीरो से स्टार्ट करनी है। ये चीज़ स्किप करके हम पता है क्या क्या देखते हैं, कि भाई फ़न आएगा, कनाडा जा रहे हैं, फ़न आएगा, फ़न है, मज़े के अंदर ना हम वो चीज़ें स्किप कर देते हैं, और बाद में अगर वो चीज़ हमें फ़ेस करनी पड़ती है तो हम उस चीज़ से रिग्रेट करते हैं, यार गलती कर दी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, तुम अगर पहले से इस चीज़ को अगर अपने दिमाग में रखो कि भाई हम कनाडा जा रहे हैं और हमें जीरो से स्टार्ट करनी है चीज़ें, तो कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और अगर तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई रखोगे तो भाई वो गलत है। तो एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी है, यस कॉन्फिडेंट रहना है भाई, चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट रहना है, पर एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी है कभी भी। तो भाई तुम आओ तो ये बातें अपने दिमाग में डाल के आना। तो भाई ये ज्ञान था मेरा, मेरी तरफ से भाई यही ज्ञान था कि भाई एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी है, आओ और कॉन्फिडेंट होके आओ और अपनी चीज़ें करो। 2 साल के बाद तो चीज़ें वैसी चेंज हो जाती है, वो तो सबको पता है कि क्या ही होता है, ठीक है, तो उसमें कोई बात करनी नहीं है, तो ठीक है भाई। तो भाई ये था मेरी तरफ से ज्ञान, और जो कि मैंने पूरा दे दिया है, और ये भाई ज्ञान वाला चश्मा भी मैंने हटा दिया है। और इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट पिंग जो जो करना है भाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम करोगे मैं तुम्हें रिप्लाई वीडियो ज़रूर दूंगा। और तुम्हें जो भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल फ्रीली, एज अ बिग ब्रदर, एज अ स्मॉल ब्रदर, एज अ जो भी यंगर ब्रदर, जितने भी ब्रदर होते हैं भाई, सबकी तरह बता दूंगा, जो भी पूछना हो सब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई, बिल्कुल कर देना चाहिए, ताकि ये नहीं कि अगले को मुझे नेगेटिविटी देनी है, कुछ भी देनी है, अगले को अवेयर करना है, अवेयर करना सबसे बड़ी। हाँ तो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं किसी खतरनाक वाले ब्लॉग्स में। जब तक भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कर देना, जो जो होता है, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, सब कर देना, बाकी जो जो होता है, ठीक।